बड़ी खबर सामने आ रही है नैनीताल के रामगढ़ में बादल फटने की खबर। रामगढ़ के तोकना गांव में फटा बादल, कई लोगों की मलबे में दबे होने की खबर। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना। उत्तराखंड में कुदरत का कहर, नैनीताल के रामगढ़ में बादल फटने की खबर। रामगढ़ के तोकना गांव में फटा बादल, कई लोगों की मलबे में दबे होने की खबर। पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके के लिए रवाना। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तराखंड से, जहां उत्तराखंड में कुदरत का कहर देखने को मिला है। नैनीताल के रामगढ़ में बादल फटने की खबर सामने आई है। रामगढ़ के तोकना गांव में फटा बादल, युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, गले पर धारदार हथियार से काटे जाने का निशान, हत्या की जताई जा रही आशंका, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। निवादा गांव का बताया जा रहा मृत युवक, उचाहार के पूरे बकिया गांव का मामला। युवक का शव मिलने से फैली सनसनी, गले पर धारदार हथियार से काटे जाने का निशान, हत्या की जताई जा रही आशंका। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। निवादा गांव का बताया जा रहा मृत युवक, चहार के पूरे बकिया गांव का मामला, युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। खबर पर मैं ज्यादा बातचीत के लिए रायबरेली से संवाददाता ओम शंकर जुड़ चुके हैं। ओम, क्या पूरी जानकारी है, किस वजह से हत्या की आशंका जताई जा रही है, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये एक युवक जो है ये नहर की पट्टी के किनारे अनशन पड़ा मिला था और हत्या की आशंका इस वजह से जताई जा रही कि क्योंकि इसके गले पर जो है धारदार हथियार के निशान दिख रहे हैं। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार है, उसके बाद ही पूरी बातों को पता लगाने का सफल होगी पुलिस। क्या परिजनों के बारे में कोई जानकारी मिली है युवक के? नहीं, परिजनों के बारे में जानकारी मिली है, लेकिन परिजनों ने किसी के ऊपर भी कोई शक नहीं जताया, क्योंकि बहुत ही गरीब परिवार से था लड़का और जो है इनकी किसी से कोई रंजिश भी नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर मेरे साथ रायबरेली से संवाददाता ओम शंकर जुड़े थे। नदी में मिला नवजात का शव, अयोध्या से बड़ी खबर, संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव, पुलिस मौके पर मौजूद। अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है, हैरतगंज थाना क्षेत्र के पलटू वीर पुल का मामला, नदी में मिला नवजात का शव, संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव, पुलिस मौके पर मौजूद। अयोध्या से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हैरतगंज थाना क्षेत्र के पलटू वीर पुल का मामला, नदी में मिला नवजात का शव, संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव, पुलिस मौके पर मौजूद। हैदरगंज थाना क्षेत्र के पलटू वीर पुल का मामला, नदी में मिला नवजात का शव, अयोध्या से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जो संदिग्ध परिस्थितियों में एक मासूम का शव मिला है, पुलिस मौके पर मौजूद है। हैदरगंज थाना क्षेत्र के पलटू वीर पुल का मामला है, नदी में नवजात का शव मिला है, जिसके बाद संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है, पुलिस मौके पर पहुंच गई है और आगे की छानबीन कर रही है। अयोध्या से ये बड़ी खबर सामने आई है, हैदरगंज थाना क्षेत्र के पलटू वीर पुल का मामला है। उत्तराखंड में आफत की बारिश से हुआ भारी नुकसान, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया ट्वीट, बाबा केदार से सभी के सुरक्षित होने की कामना। अरविंद केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से की अपील, जनता की हर संभव मदद करें। उत्तराखंड में आफत की बारिश से हुआ भारी नुकसान, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया ट्वीट, बाबा केदार से सभी के सुरक्षित होने की कामना। अरविंद केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से की अपील, जनता की हर संभव करे मदद। किस
किसानों के लिए मुसीबत बनी बारिश। फतेहपुर से बड़ी खबर, खेतों में नष्ट हुई धान की फसल। बारिश होने से किसानों के चेहरे मुरझाए। गौशाला में जल निकासी ना होने से मुसीबत। गौशाला में बारिश से भीग रहे गौवंश। रामपुर थरियाओं में बनी गौशाला का मामला। किसानों के लिए मुसीबत बनी बारिश। फतेहपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, खेतों में नष्ट हुई धान की फसल। बारिश होने से किसानों के चेहरे मुरझाए। गौशाला में जल निकासी ना होने से मुसीबत। गौशाला में बारिश से भीग रहे गौवंश। रामपुर थरियाओं में बनी गौशाला का मामला। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही। रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, बिजली के खंभे के लिए बांस का हुआ इस्तेमाल। बारिश से बांस का खंभा गिरने से हादसा। करंट की चपेट में आने से मवेशी की मौत। सरेनी क्षेत्र के मलके गांव का मामला। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने, बिजली के खंभे के लिए बांस का हुआ इस्तेमाल। बारिश से बांस का खंभा गिरने से हादसा। करंट की चपेट में आने से मवेशी की मौत। सरेनी क्षेत्र के मलके गांव का मामला। संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत। हमीरपुर से बड़ी खबर, रैली निकाल कर लोगों को किया जागरूक। डीएम ने रैली को दिखाई हरी झंडी। 19 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा अभियान। मुख्यालय के स्टेडियम परिसर से हुई रैली की शुरुआत। संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत। हमीरपुर से बड़ी खबर, रैली निकाल कर लोगों को किया गया जागरूक। डीएम ने रैली को दिखाई हरी झंडी। 19 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा अभियान। मुख्यालय के स्टेडियम परिसर से रैली की शुरुआत। संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत। रैली निकाल कर लोगों को किया गया जागरूक। डीएम ने रैली को दिखाई हरी झंडी। 19 अक्टूबर से 17 नवंबर तक चलेंगे अभियान। मुख्यालय के स्टेडियम परिसर में हुई रैली की शुरुआत। संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत।